हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी प्रमुख फसलें और उनकी बुआई और कटाई का समय क्या है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। आप सभी को पता होगा कि फसलों के बारे में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेता है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले इस टॉपिक को, वो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ट्रिक इतनी मजेदार होगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन पैदा कर, आप कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं पेपर में, या ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं कि आप गलत करके चले आते हैं। बट आज हम जितनी भी इसके अंदर फसलों के अंदर जितनी भी चीजें कवर होती है, आज हम उन सारी चीजों को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस इसी तरह मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी चार प्रकार की फसलें होती है, ठीक है। उन चारों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने पहली फसल जो ली है वो कौन सी है, रबी की फसलें, ठीक है, रबी की फसलें। अब रबी में ट्रिक क्या है, आइए पहले ट्रिक देख लेते हैं। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, सभी आजकल आप सभी को पता है इस चीज का क्रेज है, ठीक है। तो आइए इस ट्रिक को भी इसी तरह से याद कर लेंगे। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, ठीक। रबी से हो गया हमारा रबी की फसल, ठीक है। आ से हो गया हमारी आलू, ठीक है। रा से हो गया हमारी राई, जा से हो गई हमारी जौ, सात से हमारी हो गई सरसों, चा से हो गई हमारी चना, गा से हो गई हमारी गेहूं, ठीक है, दा से हो गई गेहूं, और मा से हो गई हमारी मटर, ये वाले मा से, और मा से हो गई हमारी ये वाले मा से मसूर, ठीक है। तो इतनी जो चीजें हैं दोस्तों, ये किसमें आती है, रबी की फसल में। और रबी की फसल बोई और काटी कब जाती है, ये भी आप सब जान लीजिए। तो दोस्तों, रबी की जो फसल है वो नवंबर के महीने में बोई जाती है और जुलाई में जो है, सॉरी मार्च में जो है इसकी कटाई होती, ठीक है। नवंबर में बोई जाएगी और मार्च में काटी जाए, आप सभी ऐसे याद कर लीजिए ना। नवंबर में आप सभी को पता है सारी फसलें बोई जाती है। मार्च में आप सभी को पता है होली के टाइम पे हमारे यहाँ नए आलू आते हैं, जिससे हम सभी पापड़ वगैरह बनाते हैं। तो ये जितनी भी सारी फसलें हैं, किसमें आएंगी, हमारी रबी की फसलों में, ठीक है। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो अब आइए देखते हैं दूसरी फसल। तो दोस्तों, दूसरी फसल कौन सी है, जायद की फसलें, ठीक। जायद वाला बहुत ही आसान है, आप कभी नहीं भूलते हो। आप सभी को पता है कि इस समय मौसमी चीजें आ रही हैं, खीरा, ककड़ी और जितने भी हमारे कद्दू है, तुरई, ये सारी जायद की फसलों में आती हैं। ये बोई कर, इसकी ट्रिक क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। इसकी ट्रिक है मौत की खीर, ठीक। एक ट्रिक है दोस्तों बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो मौत की खीर, मौसमी सब्जी, हमने भी आपको बताया कि मौसमी सब्जी खीरा, ककड़ी, तुरई, कद्दू, लौकी, ये सारी मौसमी सब्जी तो है। और तरबूज, ये भी आप सभी, ककड़ी, खीरा, ये भी मैंने अभी बताया आपको। तो ये इसकी ट्रिक है मौत की खीर। मौसमी सब्जी हो गई, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, फ्रूट वगैरह आप सभी खाते ही होंगे, तो ये सारी किसमें आ गई, जायद की फसल में। और फ्रेंड्स, ये बोई कब जाती है, ये बोई जाती है हमारी अप्रैल या मई में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में कटाई हो जाती है, ठीक है। अप्रैल लिख लीजिए आप, और जुलाई अगस्त में इनकी कटाई हो जाती है, तभी तो हम लोगों को मिलती है। आप सभी को पता होगा किस समय तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीजें आई रही हैं। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, तीसरी जो है हमारी कौन सी है, खरीफ की फसल। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक रट के जानी है। और इसके सीजन भी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, नवंबर से मार्च, ठीक है, अप्रैल से जुलाई अगस्त, ठीक। अब आइए देखते हैं खरीफ की फसलें। तो दोस्तों, खरीफ की फसलों के लिए ट्रिक क्या है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, ट्रिक है दोस्तों एक, और ज्यादा कुछ भी नहीं, ट्रिक है, याद कर लीजिए। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया खरीफ, जिससे आप कभी भूले ना। तो खरीफ की फसलों में कौन सी आ गई, कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, ठीक है, बाजरा, ज्वार, तिलहन। अब तिलहन मतलब तेल,
और इसमें इसमें मूंग हो गया हमारा, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गई, ये सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों? खरीफ की फसलों में आती है, ठीक है। और जो खरीफ की फसल है दोस्तों, ये किसमें बोई जाती है? जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है। यहां लिख देती हूँ मैं, जुलाई टू नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो ये रहे हमारे तीन, अभी हमारे एक और बची है दोस्तों, वो क्या है? नगदी फसल। कौन सी बची है फ्रेंड्स? नगदी। चार तरह की मैंने आपको बताई और एक और हमारी बच गई है, वो है नगदी फसल। नगदी फसल दोस्तों क्या होती है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप सभी को पता है तो, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो एक बार इधर देख लीजिए वीडियो में। अगली कौन सी है फ्रेंड्स? नगदी। तो अगले अगला जो है, तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगली है हमारी नकदी फसल। नकदी फसल आप सभी को पता होगा, नकदी फसलें क्या होती हैं आप सभी बताएंगे कमेंट करके। फ्रेंड्स नकदी फसल वो फसल होती है जो किसानों द्वारा जो है ना व्यापार के लिए बोई जाती है, ठीक है। अब व्यापार में क्या क्या हो गया, आइए इसको ट्रिक से देख लेते हैं, भूलेंगे नहीं आप कभी, ठीक। इसकी ट्रिक है, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, व्यापार के लिए बोई जाती है, ठीक है। व्यापार के लिए जो बोई जाती है, इसकी ट्रिक है दोस्तों, आग का तंबू, एक ट्रिक है बस याद करने के लिए, ठीक है। तो आज हमारी क्या हो गई, आलू आप सभी को पता है, तुरंत बो काटो तुरंत पैसा तैयार है, ठीक। दूसरी हो गई हमारी गन्ना, गन्ना भी नकदी फसल में आता है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है यूपी टेट में, ठीक है, कि गन्ना किस फसल में आता है। तो आप तो ऑप्शन दिए हुए थे चार, उसमें ऑप्शन था इसका गन्ना, क्योंकि गन्ना हमेशा नकदी तुरंत आया, आप सभी को पता है गर्मी है, जूस है, ये सारी चीजें तुरंत की तुरंत बिकती है, ठीक है। कहां से हो गया हमारा कपास, और तंबू से हो गया हमने तंबाकू बना लिया, ठीक है। तो ये रही हमारी कौन सी फसलें दोस्तों, ये रही हमारी नकदी फसलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ और ट्रिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।